बरग्राम में लंबे समय से जगह जगह पर पड़े खराब हैंडपंप का कोई धनी धोरी नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान भी हैं। ऐसा ही एक और मामला बरग्राम में रेलवे स्टेशन रोड का सामना है, जहां पर आईओसी लाइन के समीप करीब एक साल से खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करने में ना तो जलदाय विभाग कोई ध्यान दे रहा था और ना ही ग्राम पंचायत। लेकिन इस हैंडपंप को ठीक करवाने में समाजसेवी हनुमंत बागड़ी ने कदम जरूर उठाए हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करवाए हैं। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने समाजसेवी हनुमंत बागड़ी का आभार प्रकट किया है। गौरतलब रहे कि इससे पूर्व भी समाजसेवी हनुमंत बागड़ी ने मोरी के पास आरओ प्लांट में जल भरा और पगारिया पेट्रोल पंप के पास भी खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। बर से ब्रिज जिला में श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज एंड राजस्थान। तो बरग्राम में ये रेलवे स्टेशन रोड आईओसी लाइन के समीप का ये मामला है, जहां पर ये हैंडपंप करीब एक साल से खराब पड़ा था, जिससे यहां आसपास में रहने वाले ग्रामीणों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही थी। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई मरतबा ग्राम पंचायत सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तत्पश्चात ग्रामीणों ने समाजसेवी हनुमंत बागड़ी को इस मामले के बारे में अवगत कराया और उन्होंने तत्परता से जलदाय विभाग के संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप कर इस हैंडपंप को ठीक कराया, जिसके बाद मौके पर आज कर्मचारी पहुंचे और इस हैंडपंप को ठीक किया गया है। साल से बंद पड़ा ये हैंडपंप, तो हनुमंत जी बागड़ी इधर आए, इन्होंने मैंने कहा कि भी एक साल से बंद पड़ा है और काफ़ी लोगों को कहने के बाद भी ये हैंडपंप चालू नहीं हुआ, और हनुमंत जी बागड़ी को मैंने कहा तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जलदाय विभाग को सूचित करके ये हैंडपंप चालू करवाया और आज पानी आ रहा है।